मनु, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी ये गोल्ड पर और आपने निशाना आपने लगाया, जिस तरह से कामयाबी की सीढ़ियां आप लगातार चढ़ती जा रही हैं, तो कितना कॉन्फिडेंस आप खुद को महसूस करती हैं और आगे की क्या क्या आपकी योजनाएं आगे हैं? ऐसा होता है कि हम जैसे कुछ मेडल जीत लेते हैं अपने देश के लिए, फिर लोगों को और उम्मीदें होती हैं हमको, हम हमारे ऊपर और भरोसा होता है। तो ऐसे ही मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं बहुत लंबे समय तक खेल सकती हूँ और बहुत अच्छा खेल सकती हूँ। और ऊपर से जैसे बहुत ज़्यादा लोग हैं मुझे सपोर्ट करते हैं, अपना प्यार देते हैं, तो उससे भी कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है। और इस बार दिल्ली वर्ल्ड कप में मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था इतने सारे लोग आने वाले हैं, क्योंकि शूटिंग इतना पॉपुलर गेम नहीं है इंडिया में चूँकि, पर बहुत सारे लोग आए थे, बहुत हौसला मिला था कि इतने सारे अपने लोग आए हैं, उनके बीच में हम खेल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा था। और मुझे बहुत खुशी होती है जब भी इंडिया के लिए मैं मेडल जीतती हूँ और इंडिया का फ्लैग सबसे ऊपर आता है। एज ए मनु भाकर, अगर बात की जाए, अब आप एक सेलिब्रिटी बन चुकी हो, तो आप क्या फ़र्क महसूस करती हो पहले की मनु भाकर में और अब आप क्या फ़र्क महसूस करती हो? सेलिब्रिटी तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है मुझे, मैं भी अपने आप को जैसे नॉर्मल, जैसे पहले जैसे लोग और हैं वैसे ही मैं अपने आप को समझती हूँ। पर हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे मुझे अब इतना ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़ता है हर चीज़ पे, बस क्योंकि लोगों का प्यार मिल रहा है मुझे, तो वो भी हर चीज़ पे सपोर्ट करते हैं मुझे, सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए चीज़ें थोड़ी कुछ मायने में आसान हो गई हैं। बाकी तो मैं अपने आप को कोशिश करती हूँ डाउन टू अर्थ रहने की। पहले शूटिंग की अगर बात की जाती थी तो नाम आप भी जानते हो कि नाम आता था अंजलि भागवत का, लेकिन अब पूरे देश में अगर शूटिंग की बात की जाती है तो जो शूटिंग सेंसेशनल है वो माना जाता है मनु भाकर को। वो जो मेन चीज़ थी वो हासिल कर नहीं पाई, ओलंपिक जो गोल्ड था, पूरे देश को आपसे उम्मीदें हैं कि मनु भाकर अंजलि भागवत जो नहीं कर पाई वो कर पाएंगे, आप क्या कोई दबाव महसूस करती हैं इस चीज़ को लेकर? पहली बात तो मैं न्यूज़ और ये सब इतना नहीं देखती हूँ कि थोड़ा मैं दूर रहूँ इन सब चीज़ों से, तो मुझे इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा अपने आप को दूर रखती हूँ। और जहाँ तक प्रेशर की बात है, वहाँ तक लोगों का सिर्फ सपोर्ट होता है, लोग कभी भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालते हैं, तो लोग सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए आपके पीछे बैठते हैं, क्योंकि उनको भी खुशी होती है जब हमारे देश का मेडल आता है। तो मेरे हिसाब से लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो उनका प्रेशर कभी भी नहीं लेना चाहिए, और प्रेशर खुद तो हमेशा ही आता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि आपको कभी प्रेशर ना आए, अब वो शूटिंग हो, रेसलिंग हो, या फिर कोई भी स्पोर्ट हो, उसमें हमेशा हमें अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर रहता है। आप पूरी दुनिया में, जैसे कि आपने बारीकी से देखा होगा कि जिस तरह से फॉरेनर की जो खेल नीति है, हमारी जो खेल नीति है, तो आप क्या मुख्य जो कमियां हैं वो मानती हैं, क्या क्या सुधार आप मानती हैं कि जो इंडिया की खेल नीति में अभी फिलहाल होना चाहिए? इतना तो मैंने नहीं सोचा है। खैर, अभी इंडिया बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, मतलब पहले की अगर पहले से अब कंपेयर किया जाए तो इंडिया पहले वर्ल्ड लेवल पर इतना कुछ नहीं करता था जितना अभी कुछ सालों में बहुत ज़्यादा ही, जैसे शूटिंग में भी इतने मेडल्स नहीं आया करते थे वर्ल्ड कप में भी, तो मुझे ऐसे लगता है कि पहले के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि बहुत सारा पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें और हमको भी सरकार बहुत सपोर्ट करती है, तो फाइनेंशियल और सब सपोर्ट्स हमको मिलते हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है ये बेटर हो रहा है और हमको ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है कि फाइनेंशियल कंडीशंस ख़राब है या ऐसा भी नहीं है, सब लोग सपोर्ट करते हैं, तो पहले के हिसाब से बहुत इम्प्रूव है। इसलिए मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि सेमीफाइनल तक तो ठीक है, मनु भाकर जब फाइनल में जाती हैं, जब निशाना बिल्कुल गोल्ड की तरफ लगाना होता है, तो उस समय मनु भाकर के मन में क्या चल रहा होता है वो जानना चाहेंगे आपसे? मन में कुछ भी नहीं होता है, मन में सिर्फ होता है कि अच्छे से मेरे को बस गोलियाँ चलानी है, अच्छे से जैसे मैं करती आई हूँ बिल्कुल वैसे ही मेरे को करना है, और हमेशा ही बहुत प्राउड फील होता है जब भी हमारे हमारी वर्दी हमारे ड्रेस पे इंडिया का फ्लैग होता है, हम उसको कैरी करते हैं बाहर, तो बड़ा ही अच्छा लगता है और बहुत स्पेशल फील होता है कि हम सबसे अलग हैं। तो हमेशा ये रहता है कि हमको अपना बेस्ट देना है, अपने कंट्री के लिए बेस्ट देना है, अपने लोगों के लिए बेस्ट देना है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, अब आप लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी हो, आपकी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, तो आप उन लोगों को अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे जो आपके फ़ैन हैं? कुछ लोग होते हैं जो मेहनत करके उनको फल नहीं मिलता पर वो रुक जाते हैं, मैं कहती हूँ कि मेहनत का
कभी भी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती है, आप मेहनत करते हो उसका फल आपको हमेशा मिलता है, आज नहीं तो कल, मतलब ज़रूरी नहीं होता आपको उसी दिन उसका फल मिले, चाहे हो सकता है एक साल बाद दो साल बाद भी मिल सकता है, तो मेहनत करते रहो, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। चलिए, बहुत शुक्रिया।